हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे पूरी उम्मीद है अब 24 घंटे पहले आपकी पूरी प्रिपरेशन हो गई होगी केमिस्ट्री पेपर की। ठीक है, फिर भी आप एनसीईआरटी के थ्रू थ्योरी पढ़ चुके होंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हो, हमारे नोट्स जो आपको क्लास के ड्यूरिंग बनवाए हैं या दिए हैं उनके बीच में जो क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपरली रिवाइज कर लिए होंगे और मॉडल पेपर्स के थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के उनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। बेटा, सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए आपने परेशान नहीं होना। 7 चैप्टर्स हैं और आपको बताइए फर्स्ट और लास्ट टाइम ही है टर्म एग्जाम, और इसके बेसिस पर अब कैसे एग्जाम आएगा ये तो अभी इन फ्यूचर में ही पता लगेगा, बट आप कॉन्फिडेंट रहिए। एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चंस कर लीजिए। ठीक है, 2 चैप्टर हैं केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिनसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, रिमेनिंग थ्योरेटिकल्स हैं। तो आप इनके मेन मेन फॉर्मूले रीड करके लिख करके उन पर 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नस्ट इक्वेशन, कंडक्टिविटी बेस्ड। ठीक है, ऑर्गेनिक में जो नेम्ड रिएक्शंस हैं उनको लिख करके देख लो, नेम्ड रिएक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चंस, कन्वर्जन, व्हाट हैपेंड, लाइक इस टाइप के क्वेश्चंस। बट अगर आपको रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही हो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पे आ सकते हैं काफ़ी। सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर। ठीक है, कौन कौन से रिएक्शन शो कर सकता है, कौन से कंपाउंड ये रिएक्शन शो नहीं करता, लाइक जस्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस रीड आउट कर जाइए। ठीक है, इनऑर्गेनिक में डी एंड एबलॉक एंड कोऑर्डिनेशन, छोटे छोटे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं वहाँ से। तो थ्योरी एक बार रिविजन एट ए ग्लांस के साथ बैक साइड क्वेश्चंस करिए, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। और 24 घंटे पहले जस्ट जो कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज करिए और उसी से आपकी प्रिपरेशन फाइनलाइज हो जाएगी। होप सो आप सब बहुत अच्छा करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मेरी तरफ से आप सब ऑल द बेस्ट, कॉन्फिडेंट रहिए, खुद पे भरोसा रखिए और प्रेशर मत लीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।